तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हारे उस दिए हुए गिफ्ट की वजह से। जिया, मैंने सिर्फ एक बुक गिफ्ट की है, इसमें मेरा कोई और मकसद नहीं था। तुम जानते हो ना मेरे बाबा के साथ क्या हुआ था, और ये सब बातें मैंने तुम्हारे साथ शेयर की थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम सबसे मुख्तलिफ हो। बट नो, आई वॉज रॉन्ग। तुम भी सब की तरह एक्सट्रीमिस्ट हो। तुम भी मुझे एक नॉन मुस्लिम होने का ताना देते हो, तुम भी मुझे एक काफिर समझते हो। जिया, अगर तुम्हारी नाराजगी की वजह मेरा तुम्हें कुरान गिफ्ट करना था तो शायद मुझे तुम्हें कुरान गिफ्ट नहीं करना चाहिए था। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारे लिए आसानी पैदा करना था, और वो सवाल जिनके जवाब तुम्हें नहीं मिल रहे थे उन सब के लिए मैंने ये किया। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आई ट्रस्टेड यू एज अ फ्रेंड, बट आई गेस वी आर जस्ट एन ऑफिस कोलीग, तो हम काम के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। अगर मेरा ये सब कुछ करना तुम्हें बुरा लगा है तो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी। यू शुड बी। एनीवेज, आपको कभी किसी ने कोई ऐसी बुक दी है जिसकी वजह से यू सी लाइफ डिफरेंटली नाउ, और आपके अंदर कोई चेंज आया हो? एनीथिंग? मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारे लिए आसानी पैदा करना था, और वो सवाल जिनके जवाब तुम्हें नहीं मिल रहे थे उन सब के लिए मैंने ये किया। जिया, तुमने मुझे वो गिफ्ट क्यों दिया? जिया, मेरी वो इंटेंशंस नहीं थी। मैंने आपको बस एक कुरान गिफ्ट किया जिसे आप अरबी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ सकती हैं, और उसे पढ़ने से आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। मैं नेगेटिव हो रही हूँ? तुम तो चाहते ही यही हो कि तुम मुझे कन्वर्ट करके मुसलमान बना दो। तुम लोगों का काम ही यही है कि किसी भी नॉन मुस्लिम को देखा उसके पीछे चल पड़ते हो कि उसको मुसलमान करना है। लिसन, मैं एक एथिस्ट हूँ और ये मेरे फोर फादर्स का रिलीजन है, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट माई रिलीजन। आप कैसे सेटिस्फाई हो सकती हैं जबकि ये आपने खुद चूज भी नहीं किया? व्हाट डू यू मीन? ये आपके फोर फादर का डिसीजन था, आपका नहीं। यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर सेइंग। मुस्तफा फेंग। जी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे समझाता। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरे अब्बा मुसलमान हो गए थे और उन्होंने अपना नाम मुस्तफा फेंग रख दिया था? जी, हालात और वाकयात ही कुछ ऐसे हो गए थे। फेंग की मौत की वजह से पहले ही तुम डिस्टर्ब थी, मैं तुम्हें मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। डिस्टर्ब? डिस्टर्ब तो अब भी हूँ, बल्कि शायद उससे ज्यादा। मुझे अपने बाप के बारे में जानने का पूरा हक था। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन उस वक्त मुझे बेटा समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे ये सब कुछ तुम्हें बताता। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता था कि मेरे ऊपर एक एक दिन कैसे गुजर रहा है। बेटा, बहुत कंफ्यूजन थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम फैंग के बारे में कुछ गलत सोचो, और वो मुनासिब नहीं था वक्त तुम्हें बताने का सब कुछ। आई डोंट नो हाउ कैन यू हाइड दिस फ्रॉम मी। रियली सॉरी बेटा। बेटा, मेरी बात समझ नहीं। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।